अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, मैं हूँ गुलाम जाफ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन ग्लोब। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तैयब ताहिर आल अलैहिस्सलाम पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, इल्म के दरवाज़े आप पे खोले और उसमें खैर और बरकत अता फरमाए। अज़ीज़ तलबा तलबात, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेड मैपिंग। बेड मैपिंग क्या है और कैसे है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन भी आपसे होगी और बहुत मुख्तसर, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी इसलिए मैं मुख्तसर आपको इसके बारे में बता देता हूँ। बेड मैपिंग जो होती है, जब आप कोई भी डिज़ाइन बना लेते हैं, उस डिज़ाइन को बनाने के बाद कस्टमर को ज़रूरत होती है उस डिज़ाइन को बेड पे बिछा हुआ देखने की, तो इसके दो तरीके होते हैं। या तो वो जो डिज़ाइन है उसको प्रिंट किया जाए या उसको स्ट्राइक ऑफ उसका बनाया जाए या डिजिटल मशीन पे उसको प्रिंट करके उस डिज़ाइन को, उस कपड़े को स्टिच किया जाए। स्टिच करने के बाद बेड को सिलेक्ट किया जाए किसी होटल के किसी ख़ास रूम में या किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू, उनसे आप हेल्प लेते हैं, उनको हायर करते हैं और फिर उसको स्टिच करके उस पर बिछाया जाए और उसको बाकायदा फ़ोटो शूट किया जाए। तो ये एक प्रोसेस है, तो ये काफ़ी लेंथी होता है, इसमें ये टाइम टेकिंग भी होता है और इस पर आपको प्राइस भी ज़्यादा कदरे पे करनी पड़ती है। तो दूसरा इसका जो शॉर्ट वे है वो ये है कि सॉफ्टवेयर के अंदर आप ये सारा काम कर देते हैं, जो कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा को 10 मिनट से 15 मिनट तक का ये प्रोसेस होता है और उसमें आप जो डिज़ाइन है वो बेड पे बिछा हुआ दिखा देते हैं, प्लस उसके पिलो भी दिखा देते हैं, डिज़ाइन भी बिछा हुआ दिखा देते हैं। हमने जो ये आपको वर्किंग करके दिखानी है तो इसमें ये होता है, असल में कस्टमर की इसमें सेटिस्फेक्शन हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि डिज़ाइन की लुक क्या बनेगी और वो बेड पे बिछा हुआ कैसे दिखेगा। और बेड भी ये डिफरेंट किस्म के होते हैं, यूरोप में जो इस्तेमाल होते हैं वो डिफरेंट हैं, उनके साइज़ डिफरेंट हैं, जो यूएसए में होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट है, हमारे यहाँ साउथ एशिया पाकिस्तान का डिफरेंट है। हम जो आपको बेड पे वर्किंग करके दिखाएँगे ये यूएसए और यूके और यूरोप में इसका साइज़ और इसकी लुक इस्तेमाल की जाती है, और इसको जो हम यहाँ पे हमारी लोकल ज़ुबान में इसको हम रज़ाई कहते हैं, इसको क्विल्ट कवर कहते हैं, असल में वो लोग इसको क्विल्ट कहते हैं, क्विल्ट कवर या डुएट सेट भी कहते हैं। ये जो डुएट सेट है ये 200x200 cm का हम इसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है, ये तकरीबन 78x78 बनता है। इसको डबल बेड शीट भी कहते हैं या डबल क्विल्ट कवर भी कहते हैं या डबल डुएट सेट भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो हमने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो है हमारे पास जो वर्जन है 5.5 फोटोशॉप का, हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये काफ़ी ओल्डर वर्जन है। और इसके अंदर जो हमने स्टाइल ड्रॉपर एक प्लगइन है जो अलग से इसके अंदर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, उस प्लगइन के ज़रिए से ये सारी वर्किंग की जाएगी। तो ये इसका सारे प्रोसेस का एक मुख्तसर सा मैंने इंट्रो आपको दे दिया है। ये वीडियोस जो हैं ये तकरीबन हमारी एक लेक्चर की कम से कम 3 वीडियोस से 4 वीडियोस बन जाएंगी इसकी, और मैं कोशिश करूँगा कि 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना हो ताकि देखने वालों को भी सहल महसूस हो, ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स तलबा तलबात और मेरे व्यूवर्स बहुत सारे टूल्स के बारे में, काम के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो इसलिए अब उन्हें ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी अगर वो एक तसलसल के साथ वीडियोस देख रहे हैं और उन वीडियोस को अपनी प्रैक्टिस में ला रहे हैं, तो उनको ज़्यादा समझने में दुश्वारी नहीं होगी। चलते हैं अपने काम की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक डुएट सेट आप फ़र्ज़ कर लें कि नेट से हमने एक हासिल किया है, और सबसे पहले तो इसको ज़रूरत है इसको प्लेन बनाने की, कि हमने इसको प्लेन बनाना है, इसके ऊपर से जितना ये डिज़ाइन है इसको ख़त्म करके इसको वाइट फॉर्म में लेके आना है,
और इसके जो सलवट हैं उनका भी हमने ख्याल रखना है। जिस तरह से यहाँ पे ये डुएट सेट पे आपको ये सलवट नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको कुछ फोल्ड नज़र आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा डुएट सिलेक्ट करूँ कि जिसमें काम करना आपके लिए कदरे आसान हो। ये सिलेक्ट कर लेते हैं, देखें ये भी उसी सॉफ्टवेयर के अंदर हमने ये काम किया हुआ है डुएट का, तो इसको मेंटेन करना कदरे आसान है। सबसे पहले हमने ये जो डुएट है ये वाला एरिया हमारा, इस एरिया के ये एरिया जो है ना इतना, ये हमारा डुएट सेट है। सबसे पहले इस एरिया का हमने अलग से मास्क बनाना है। ये जो इसका रिवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है डुएट सेट का अंदर वाला एरिया, इसको हम रिवर्स कहते हैं, इसका मास्क अलग से बनाएंगे। ये पिलो राइट साइड वाला, इसका मास्क लैदा से बनेगा और इसका मास्क अलग से बनेगा। और ये बैक साइड पे जो पिलो हैं इनका बेशक हम एक ही बना लें या इनके दो मास्क भी बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके साथ साथ ये कुछ साइड टेबल पे कुछ शो पीस पड़े हैं और ये कप है, इसका भी इतना सा मास्क बनाया जाएगा। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले इसका मास्क क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप एक चैनल ले लो, यहाँ पे आपको ये ऑलरेडी पता ही है इन चीज़ों के बारे में। हम यहाँ से एक मास्क इसका बनाते हैं। ये सारा काम बेशक हमें एक लेक्चर की 10 वीडियो बनानी पड़े, ये सारा काम आपको करके दिखाना है ताकि इसमें किसी को ये सवाल करने की गुंजाइश ना रहे कि जी यहाँ से मुझे समझ नहीं आई, ये बड़ी स्पीड से चला गया। तो मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड कोशिश करूँगा वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगा ताकि वक्त की बचत भी हो और काम भी ठीक करके दिखाना है। इस तरह से आपने ना डुएट सेट का ये एरिया जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये जो लेक्चर साथ साथ टॉपिक्स जो हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन आती जा रही है और इसे आपने ये कतई नहीं समझ लेना कि यहाँ पे काम रुक गया है। ये एक नॉन स्टॉप वर्किंग है और ये मुसलसल चलती रहनी है। इसके बाद कलर सेपरेशन की तरफ भी मज़ीद जाया जाएगा और उसके साथ साथ डिजिटल के डिज़ाइन भी बनते जाएंगे, क्योंकि आपको 10-12 डिज़ाइन के बारे में जब तक नहीं बता दिया जाएगा किस तरह से काम किया जाना है और किस किस तरीके से चलना है, आपकी जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ टेक्निक फॉर डिफरेंट डिज़ाइंस, जब तक इसके बारे में आपकी ग्रिप मजबूत नहीं हो जाती मैं नहीं समझता कि आप स्किलफुल होंगे। बेहतरीन स्किल आपको तभी मिल पाएगी। तो हम इसको डुएट को जो है अलहदा से इसका एक मास्क बना लेंगे, बहुत इसको केयरफुली आपने करना है। और इसमें हमने जो काम करना है ये सिलेक्शन हम बेटा इसलिए कर रहे हैं कि हमने इस एरिया के अंदर, इस डुएट के अंदर जो फ्लावर्स बने हुए हैं उनको ख़त्म करना है, क्योंकि ये हमारे उस बेड मैपिंग का जो कंसेप्ट है उसकी ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको देखते जाएं, मे बी इस वीडियो के अंदर हम मास्क बना लेंगे और इंशाल्लाह ताला उसके अलावा इसके अंदर जो ब्रश के साथ जो वर्किंग करनी है वो भी कर लेंगे। ये बड़ा थोड़ा सा क्रिएटिव काम होता है, ये आपको भी आना चाहिए। लकीर के फ़कीर होना भी ज़रूरी है हमारे शोबे के अंदर। जैसे ट्रेसिंग है, इसी ट्रेसिंग का मतलब यही होता है कि जो आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी जो बना है उसी को आपने 100% बनाना है। इसको ट्रेसिंग भी कहते हैं, कलर सेपरेशन भी कहते हैं, रीड्रॉ भी कहते हैं, वो तो आप साथ साथ कर रहे हो लेकिन ये काम थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा सा क्रिएटिव भी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें जो है ना इसके मैं सीक्वेंस आपको थोड़े से शेयर कर लेता हूँ कि ये जो बनाएंगे हम मास्क बनाने के बाद इसके जो बेड के जो स्केल हैं उसकी जो डिटेल है उसको वाजी करेंगे और उस डिटेल को फिर हम लेयर के अंदर ले आएंगे। लेयर में उसको लाने के बाद उसी लेयर को डिफरेंट जो हमारी लेयर बनेंगी डुएट की, रिवर्स की,
पिलो की, पिलो लेफ्ट, पिलो राइट, उन लेयर्स को हमने वन बाय वन ओपन करके उनके ग्रेड बनाने हैं। ग्रेड जो बनाए जाएंगे तो ग्रेड असल काम वही करेगा, जो डायरेक्शन आपके पिलो की बनेगी या डुएट की बनेगी या फोल्ड की बनेगी, जब हम डिज़ाइन उसके अंदर अप्लाई करेंगे तो जो हमारी मूवमेंट होगी ना बेटा ग्रेड के अंदर, उसी मूवमेंट के मुताबिक हमारा डिज़ाइन ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा उस तरफ। तो ये सारे जितनी भी प्रेपरेशन है ये हम ग्रेड के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेड ने ही डिज़ाइन के अंदर मूवमेंट पैदा करनी है। उसमें हमें ये कतई ज़रूरत नहीं होगी कि यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करें या यहाँ से इसको थोड़ा सा खींच लें, यहाँ से स्ट्रेच कर दें, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू ही सारा कुछ हो जाएगा और बड़ा मज़े का और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसका जो साइज़ है वो ज़रा लिमिटेड आपको रखना है, एटलीस्ट आपने जो मैं साइज़ आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये तकरीबन 11.5 इंच के करीब इसकी हाइट है और 14 इंच के करीब विड्थ है, 300 इसकी DPI है, रेजोल्यूशन है, ठीक है। तो इसको हमने सेव कर लेना है, बेड के अंदर एक फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, बेडिंग लेक्चर इसके नाम से ये क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम Ali-1 के नाम से आप इसको सेव कर लें, ये PSD फॉर्मेट में बेटा हमने इसको सेव किया है। और ये हमारे पास चैनल आ गया है एक, इसके अंदर हमने कलर दे देना। ये बेटे हमारा एक मास्क जो है वो हमने बना लिया। अब हम ये जो हमारा रिवर्स है इसका मास्क बना रहे हैं। जो आपकी बुक होती है ना, जो ट्रेनिंग मैनुअल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारा ऐसा काम है, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसी वर्किंग हैं जो उसके अंदर मौजूद नहीं हैं। अगर वो सारी की सारी अगर उसके अंदर मौजूद करें ना तो वो 5-10 किलो का मैनुअल बन जाएगा। इसलिए उसके अंदर उन सारी चीज़ों को एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट के अंदर, जिसे कहते हैं कंसोलिडेट, एक कंसोलिडेट फॉर्मेट उसका बनाया हुआ है। तो उसके अंदर टॉपिक्स हैं, उनकी थोड़ी डिटेल है, उसके अलावा बहुत सारी वर्किंग ऐसी होती है जो हमारे उसके अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह से ये आप देख रहे हैं बेड मैपिंग के अंदर ये जो काम हम कर रहे हैं ये उसके अंदर मैनुअल के अंदर नहीं है। समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं, हो रही है ये डॉट है ना, सिंगल डॉट आ रहा है। जब इस पोजीशन में हो तो समझें कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है। हम इसके जो रिवर्स है बेटा उसका मास्क रिपेयर कर रहे हैं। ये बहुत केयरफुली करने वाला काम है क्योंकि इसी की बुनियाद पे आपको आउटकम मिलना है सारा। अब जब इसका ग्रेड बनाना है ना हमने, वो तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। उसके तकरीबन एक बेड का जब हम ग्रेड बनाएंगे तो करीब 5-6 वीडियोस उसके बन जाने हैं, क्योंकि मैंने कोशिश है मेरी कि
स्पीड से फॉरवर्ड करके नहीं दिखाना आपको, क्योंकि ये कौन सी कोई ऐसी कटिंग हो रही है या आरा मशीन चल रहा है तो जल्दी जल्दी लकड़ियां काट के आपको दिखा दें, ऐसा नहीं। ये तो आपको एक एक चीज़ जो है आपको बतानी है, क्योंकि आपको ये सिखाना है, दिखाना नहीं है। अगर सिर्फ दिखाना हो फिर तो कोई मसला नहीं है, मकसद है सिखाना। अगर सीखना आ गया तो मेहनत जो है वो समझें काम आ गया। अगर आप सीख नहीं पाते तो वो प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। ये बेटा आपका, यहाँ पे हमने इसको ये मास्क डिफरेंट, ये इसके लिए डिफरेंट चैनल बनाएंगे। यहाँ से क्लियर करें और यहाँ पे लाके इसको दे दें, कंट्रोल एस कर दें। इसका कलर यहाँ से आप जो है वो चेंज कर लें, ये कर लें। अब ये हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा बन गया, ये आप देख रहे हैं ना, ज़्यादा बन गया ना। तो इसका आसान तरीका क्या है, इसको सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट हो गया ना, इसके साथ इसको आपने ये कटिंग कर लें, ये 100% इसके साथ बैठ गया समझो। दोबारा से देखें, इसको सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये पूरा बना हुआ है, ज़्यादा ये है, हमने इसको सिलेक्शन इसके लिए है। और इस चैनल में हम रहेंगे, ठीक है, इसमें रहते हुए अब आपने यहाँ पे ये, चूँकि आपके पास ये बैकग्राउंड में वाइट आ रहा है, यहाँ पे आप बैक स्पेस लगा दें या आप कंट्रोल डेल कर दें तो ये यहाँ से कटिंग हो जाएगी। कंट्रोल एस कर दें, ये दो आपके पास मास्क इसके आ गए, कंट्रोल एस कर दें, ठीक है। अब हम पिलो की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आप लिख दें इसको रिवर्स, ये रिवर्स आपका आ गया, ये आपका आ गया डू इट, डू इट, ठीक है जी। कंट्रोल एस करें, नया चैनल क्रिएट करें। आप लोग अपनी डिस्कशन की बजाय, ये डिस्कशन बाद में कर लेंगे, काम की तरफ ध्यान करें। अब हम बेटा इसका जो है ना ये पिलो बनाएंगे, इसको हम लिख देंगे अपने चैनल के अंदर आर, ताकि ये पता रहे कि ये चैनल जो है ये राइट साइड के पिलो का है, ठीक है। हर चीज़ को आपने राइट डाउन करके लिख लेना है। और अभी तक आपकी कॉपीज जो हैं वो पेंडिंग में जा रही हैं, कॉपी चेक नहीं करवा रहे आप लोग। आपको चाहिए होता है कि जो लेक्चर आपको मिल जाता है उसकी कॉपी लाजमी बनाएं। कॉपी बनाने में आपको बेशुमार फ़ायदे होते हैं, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, ये आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन कॉपी की चेकिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको किसी किस्म की कोई रियायत जो है ना वो मिलने वाली नहीं है, यह आपको दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे पिलो हमारा ये है, उसकी बैक साइड पे जो पिलो आ रहा है ना वो दूसरा है, ब्राउन कलर का जो है पिलो। ये इतना इंटरेस्टिंग काम है कि अच्छा, जब ये आपका ग्रेड कंप्लीट हो जाता है ना, ग्रेड बन जाता है जब एक बेड का, तो उसके बाद फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, फिर बहुत जल्दी जल्दी अगले जो आपके स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होने वाले होते हैं। और ये असल में ग्रिड का ही सबसे ज़्यादा काम है, जब ग्रिड बन जाता है उसके बाद आपका काम निहायत इजी हो जाता है। इसको लिखेंगे पिलो डैश, यहाँ पे आर लिख दें, ठीक है। राइट साइड का ये पिलो है, इसमें आप कलर जो है वो दे दें। यहाँ पर भी हमने इसका एक छोटा सा पोर्शन है, अगर आप गौर करें तो नज़र आएगा, ये इसी पिलो का पोर्शन है जो हम यहाँ पे ड्रॉ करने लगे हैं। ये इसकी बैक पे आ रहा है ना, लेफ्ट वाले पिलो की बैक पे है ये पोर्शन, ठीक है भाई। कंट्रोल एस,
अब आपने फिर अब ये बैक को सिलेक्ट, इसको रिवर्स को सिलेक्ट कर लें, ये रिवर्स को सिलेक्ट कर लिया ना, इधर से हमने ये एक्स्ट्रा बना हुआ पिलो, ये पिलो एक्स्ट्रा बन गया है, इसको भी हमने वैसे ही कटिंग इसकी कर देनी है। कंट्रोल एस करें, ये आपका राइट साइड का पिलो बन गया। एक और चैनल ले लें, यहाँ पे आप पिलो पिलो डैश लेफ्ट, यहाँ पे आप लेफ्ट लिख दें, इसका कलर थोड़ा सा ज़रा चेंज कर लें, ठीक है। यहाँ पे जाइए, कंट्रोल एस करें, अब आपने लेफ्ट साइड का पिलो बेटा वो बना लेना है। अब हम इसके ऊपर से लेंगे, बाद में इसकी जो है ना वो कटिंग हो जाएगी। ये कटिंग वाला काम भी बड़ा ज़बरदस्त है, मैनुअल तरीके से आप अगर करने बैठें तो वो कभी उसका जो एग्जैक्ट आपको जो रिज़ल्ट है ना वो मिल नहीं पाएगा। बहुत से मेरे दोस्त जो हैं, कुछ कोलीग्स सीनियर्स, वो ये मशवरा देते हैं कि आप जो अपने इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं उनको आप यहाँ पे ना दिया करें, उनके लिए अलग से कुछ अरेंज करें ताकि आपको अर्निंग हो। तो मैं नहीं समझता कि ये ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी ये है कि आप लोगों को एक्सपर्टी मिलनी चाहिए, ये आपका हक है सबसे पहले। जब आपको ये बेटा पता चल जाता है ना कि क्या करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, तो फिर आपके बहुत सारे जो मसाइल हैं वो अल्लाह पाक हल कर देते हैं। ये लेफ़्ट को पहले सेलेक्ट, राइट को सेलेक्ट कर लें, लेफ़्ट में से इसकी कटिंग करें, अब इसको सेलेक्ट करें रिवर्स को, इसमें से कटिंग कर लें। ये देखिए, ये आपके, ये देखें बेहतरीन हो गया ना, ये देखें और फरमाया आपने, कंट्रोल एस कर दें। अब बैक साइड का जो पिलो है वो हम सिंगल ही ले लेंगे सारे को, हम चाहे तो हम अलहदा भी ले सकते हैं, ठीक है, सिंगल भी ले सकते हैं, सिंगल ही ले लेते हैं ताकि हमारा काम आगे की तरफ बढ़े। यहाँ पर आप इनको ऑन कर लें, इन चैनल्स की आइज को, अभी तो बहुत सारा फासला तय करना है आपने। अभी तो हम इसकी मास्किंग, आज हमने इसकी मास्किंग के साथ साथ कोशिश करेंगे कि इसके जो ब्रश के साथ हमने क्रिएटिव काम करना है, जिसमें हमने इसके वो डिज़ाइन को ख़त्म करना है, डिज़ाइन को ख़त्म करके इसके जो सलवटें हैं, फोल्डर हैं, इसके जो फोल्ड वगैरह है उसको ठीक करना है, करने के बाद फिर हमने ग्रिड की तरफ मूव करना है। ये करके फिर इन मास्क के थ्रू आरजीबी से हमने लेयर सेलेक्ट करनी है, लेयर्स में इनको ले जाके सेव कर देना है, और उसके बाद उन लेयर्स के ऊपर बारी बारी हर चीज़ का अलग अलग से ग्रिड बनाया जाएगा। इसको हम एक ही फोल्ड में जो है ना, एक ही चैनल के अंदर रख रहे हैं। ये इतना इंटरेस्टिंग काम है, मैं आपको एक दफ़ा का बताता हूँ कि मैं ये काम कर रहा था तो ये ग्रिड को ठीक बनाने में मुसलसल मैं समझें कि कोई 20 से 22 घंटे काम किया, मुसलसल 20 से 22 घंटे काम किया। तो उसको जब मैंने डिज़ाइन इस पर अप्लाई किया तो वो डिज़ाइन मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा उसको होना चाहिए था वैसा नहीं था, लहजा फिर दोबारा से शुरू किया। वो 3 दिन मुझे लग गए इस काम के ऊपर ग्रिड बनाने में। ये स्टार्ट की बात है जब नया नया इस पर वर्किंग मैंने करना शुरू किया था, लेकिन उसका पीछा छोड़ा नहीं मैंने। बैक पिलो, बैक पिलो, ठीक है जी, यहाँ पे आप इसको ये दे दें। अब आपने यहाँ पे जाइए, इसके साथ कटिंग करें, इसके साथ कटिंग करें, और
के साथ निकट, ठीक है। ये आपके ये आप इनके ना मास्क बन गए हैं, हर एरिया का डिफरेंट मास्क है। अच्छा, वो मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ कि दो दफ़ा किया उसको, तीन दिन मुसलसल काम किया नहीं हुआ, फिर उस पर शुरू हो गया, तो बिलाखिर अल्लाह पाक ने मदद फरमाई और इल्म का दरवाज़ा खोल दिया। मुसलसल मेहनत करने के बाद आपको कामयाबी मिलती है, ऐसा नहीं होता कि एक काम को आपने एक दफ़ा किया है और उसका आपको आउटकम और सक्सेस मिल जाए, उस पर आपको कई अटेम्प्ट करनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जावियों से, एक नए जोश के साथ, एक नए वलवले के साथ, तो फिर कहीं जाके आपको उसमें कामयाबी मिलती है। अब बेटा हमने ना इसका यहाँ पे ये डुएट जो है इसकी सिलेक्शन ले लेनी है, इसकी सिलेक्शन आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने इसकी सिलेक्शन लेनी है तो यहाँ से ले लें, बताया ना ये तरीके बताए हुए मैंने, ऐसे भी ले सकते हैं आप, और आप इस तरह से भी इसकी सिलेक्शन जो है आप ऐसे भी ले सकते हैं, समझ आ गई भाई। अब आपने यहाँ से ये आइज बंद कर देनी है, ये आरजीबी में चले जाना है। यहाँ पे आपने अब ब्रश ले लेना है, ये ब्रश का साइज एक आप एडजस्ट कर लें कि ये साइज आपके लिए काफ़ी है, इसके साथ आप काम कर लेंगे। अब आपने F5 में जाइए, F5 में ये 300 पिक्सल का ब्रश है, यहाँ पे हार्डनेस को आपने ज़ीरो कर देना है और स्पेसिंग भी आपने 1% पे बिल्कुल लो लेवल पे ले आनी है। अब आपने इसके ऑप्शन में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ये ऑप्शन आ गई, यहाँ पे ये स्टाइलस, ये साइज़ को आपने बंद कर देना है, ये इसकी ओपेसिटी है, इसको आप थोड़ा सा कम करें, ठीक है। ये सिलेक्शन आपके पास आ गई हुई है, तो यहाँ से आपने ये कलर ये सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करके इस तरीके से इसी कलर के साथ ना, ये देखें इस तरह से ना आपने ये इसको इस तरह ले चलें, इसको कोई मसला नहीं, ज़्यादा एकदम से नहीं इसको करेंगे क्योंकि वो फिर ना मसला बन जाएगा, वो फिर अलग से एक स्पॉट सा ना उसमें आपको नज़र आएगा, वो स्पॉट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा ना ये आ रहा है हल्का सा ग्रे, ये फोल्ड है, इसको बाद में हम हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, इतना बड़ा मसला नहीं है। 300 के बाद ये आ गया 200, इसको भी करें क्योंकि इसमें वे ये पुराना वर्जन है तो इसमें ये चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी, हर ब्रश को अलग से करना पड़ता है, और जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं एडोब 6 या CS3 वगैरह, उसके अंदर ऐसा नहीं होता, उसमें आपको जो है ना एक दफ़ा आपने जो सेट कर लिया वही हो जाना है। अच्छा, यहाँ पे हमें दोबारा से एक ग्रे स्केल जो है ना वो देना पड़ेगा, गौर कर रहे हैं आप, यहाँ पे जाइए 100 पे, इसको भी कम करें, क्यों जी है ना क्रिएटिव काम। तो यहाँ से मैंने ये कलर पिक किया, ये हम RGB में काम कर रहे हैं बेटा, हाँ छोटा करके इसमें भी आप करें इसको, ये बड़े ध्यान से आपको ना करना है, क्योंकि आपने ये डिजाइन को खत्म करना है, यहां पे कोई भी डिजाइन होगा ना उसको खत्म करना है, क्योंकि आपको प्लेन बेड जो है
या तो आप फोटो शूट करेंगे तो मिलेगा, या आप परचेज करेंगे पिक्चर हाई रेजोल्यूशन की फिर मिलेगा आपको ना, बनाया बनाया तो नहीं मिल जाना। अब यहाँ से आप इसको एक स्टेप और छोटा कर लें, यहाँ से शुरू हो जाएं। अब आप अल्लाह का नाम लेके ये फेज इसमें सबसे मुश्किल है, इसमें आपसे जब कंप्लीट कर लिया ना तो उसके बाद फिर मसाइल जो हैं कम हो जाएंगे, लेकिन मसाइल तो ये बढ़ते ही आते ही रहते हैं, ख़त्म तो नहीं होते। लेकिन इसमें ये जो डुएट के आप अंदर काम कर रहे हैं ना, इसमें आपका जो मेजर पार्ट है वो कब समझे कंप्लीट हो जाएगा। आपको अच्छा लग रहा है, आपको भी लेक्चर के दौरान चाय का लंबा घूम बहुत ज़बरदस्त। ये देखें ये इस तरफ को उल्टा हुआ है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा डार्क दिखाना ज़रूरी है, ये ओरिजिनल है ही ऐसे। अच्छा ये काम करके दिखाना आपको इसलिए बेटा ज़रूरी, मैं समझता था कि आपको पता हो कि अगर आपको करना पड़े तो आप कैसे करेंगे। अच्छा जब ये आप इसको बना लेते हो ये सारा, तो उसके बाद फिर जो काम करना है ना वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, आपको ज़्यादा उसमें ना एफर्ट नहीं करनी पड़ती। ये आप देख रहे होंगे ना, देखें वो सलवटें भी वगैरह भी ख़त्म हो गई हैं सारी, है ना। ओहो ये तो बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं फिर बना लेंगे। आप बेटा हैं ना मेरे साथ, माशाल्लाह से एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, आप ये सारा कुछ कर लेंगे। चलिए हम इसको भी मिटा देते हैं, चल स्टोरी एंड कर लो, है जी लो जी कहानी खत्म। कंट्रोल एस, ये इनको दोबारा से थोड़ा सा ना आप देखिएगा, मैंने आपको कहा था ना कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप जब इसे बनाओगे। अब यहाँ से ये कलर हम पिक कर लेंगे, ये ग्रे सा है ना, यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, सो ताली पे ध्यान मत दो, नाजी आसन को देखो। क्यों भी मजा आ रहा है? देखें मैं इसलिए बार बार आपसे ये कहता हूं कि काम करके अगर आप एंजॉय नहीं ना करते तो आप अपने काम में बेहतरी नहीं ला सकते। आपको अपने काम में इंजॉय करना उसको बहुत ज़रूरी है।
थोड़ा सा और इसको कम कर लेते हैं ना। ये जो इम्प्रेशन इसमें आप देख रहे हो ना, ये हम इसलिए बना रहे हैं कि जब हमने इसके ऊपर डिज़ाइन मैप करना है ना, तो यहाँ से ये इस फोल्ड ने एक रियलिटी पैदा करनी है इसके अंदर। अगर ये रियलिटी नहीं आएगी ना, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हल्का सा ना हमने देना है। ये बेटा जो हम काम कर रहे हैं ना, ये क्रिएटिव है सारा काम। शोर तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, इतना कंट्रोल है ना क्लास पे। वो अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा भी हमने ना वो डार्क नहीं देना, वो फिर जब हमने इस पर डिज़ाइन डालना है ना, वो तो अलग से डार्क डार्क जो है ना वो नज़र आएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, इसमें जो है ना, ये ऑलरेडी हमारा तकरीबन बना हुआ है, इसका सिर्फ हमने ना कलर इसका जो है ये चेंज कर देंगे। ये देखें, फोल्ड बहुत अच्छा बना हुआ है। हम इसको जाते हैं, देखते हैं इसमें जाके ना, इसको हम इमेज एडजस्ट ब्राइट कंट्रास्ट में जाते हैं ना, इसकी ब्राइट को हैंड को बस
पे रख दें इसको, ये आपका तो लेस करें, और उसके बाद ये जो है आपका ये वाला पिलो, इन दोनों के चैनल सेलेक्ट कर लें, करके ये ना करें, यहाँ पर जाइए, इन दोनों में आप इकट्ठा ही कर लें जो करना है। तो मेरा ख्याल कि यहाँ तक काफ़ी है, तो बाकी काम जो है हम अगली वीडियो में ले चलते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारी पहली वीडियो है बेड मैपिंग के हवाले से। इसके अंदर हमने जो वर्किंग की है, इसमें एक बेड लिया है, उसका एक साइज़ मैंने आपको बताया था तकरीबन 14 इंच बाई 10 इंच के करीब है इसका जो इमेज साइज़ है, 10 इंच को 10.25 इंच हाइट है और 14 इंच इसकी विड्थ है। 300 DPI का ये बेड है। इसके अंदर हमने इसके डुएट की बनाई है, इसकी इसको चैनल में लेके आए हैं, और इसके बाद इसका जो फोल्ड है आप देख रहे हैं रिवर्स का, रिवर्स को हमने थोड़ा मेंटेन किया है। उसके बाद आप पिलोस को कर रहे हैं। ये करने के बाद हम इसका अगला काम जो होगा, इनको लेयर्स में ले जाके और इसकी ग्रिड के ऊपर जो है वो स्टाइल ड्रॉपर पर हमने वर्किंग इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो नंबर 2 के साथ इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने चैनल का भी, मेरा ईमेल है ग़ुलाम जाफ़र खान @gmail.com। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।